सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपनी इस वीडियो में अपने लंग लकार भूतकाल के रूप सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने अपने पट धातु लट लकार के रूप बनाना सीखे थे। आज हम अपने भूतकाल के यानी कि लंग लकार के रूप बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आपके पुरुष दिए हुए हैं, ये आपके एकवचन, द्विवचन और बहुवचन है। पुरुष के बारे में आप जानते ही हैं, जो प्रथम पुरुष है वह आपका अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष हमारे सामने वाले व्यक्ति के लिए और उत्तम पुरुष आपका स्वयं के लिए प्रयोग होता है। पहले हम इनको देख लेते हैं। इनको देखने के बाद हम अपने नोट्स के द्वारा अपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपने लंग लकारे भूतकाल के रूप बनाना सीखेंगे। आपठत, आपठताम, आपठन, आपठ, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव, आपठाम। अब हम अपने नोट्स के माध्यम से अपने भूतकाल के रूप बनाना सीख लेते हैं। हमने अभी जो अपने धातु रूप में पढ़ा है वह अपने पट धातु के भूतकाल के रूप पढ़े हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पर चल धातु का प्रयोग किया है। चल धातु लंग लकार में आपके रूप कैसे बनेंगे वह आप सीख लीजिए, और यहाँ पर जो मैंने आपकी शॉर्ट ट्रिक दी हुई है इन पर भी आप ध्यान देंगे कि हमारे इन धातुओं में कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक आई है। यहाँ पर मैंने आपके पुरुषः पुरुष लिखे हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये आपके एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम है। आप ऐसे ही एक तालिका बना दीजिए अपने धातु रूप सीखने के लिए। आचलत, आचलत में आपका अत मैंने शॉर्ट ट्रिक ली है। आपकी शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपके चल धातु में जो हमारा अंत में स्वर और व्यंजन जुड़ेगा वही लिखा है। जो आपका चल धातु में पूर्व में अस्वर सभी में आया हुआ है वह मैंने आपका नहीं लिखा है, क्योंकि अस्वर आपका सभी धातु और सभी वचन में आपका समान रूप से आया हुआ है। आप उनको ऐसे ही याद कर लीजिए। अभी हम अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है वह हम अपने चल धातु के अंत में जो जुड़ेगी उसको देखेंगे। जैसे आपका प्रथम पुरुष में एक वचन में है आपका शब्द आचलत, आचलत में आप अपना आस्वर ऐसे ही याद कर लेंगे, और चलत में आपका जो आपका चल धातु में अथ शॉर्ट ट्रिक जुड़ी है वह मैंने आपके यहाँ पर लिखी है। आचलताम, आचलताम में आप अताम याद कर लेंगे। आचलन, आचलन में आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी अन। मध्यम पुरुष एक वचन में आचलह, आचलह में आपका अह रहेगा। द्विवचन में आपका आचलतम, आचलतम में आपकी जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी वह रहेगी अतम, और आपका बहुवचन में जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी वह है आपका अत। उत्तम पुरुष में आपका जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी वह आपकी आचलम, आचलम में आपका अम रहेगी। आचलाव, आचलाम में आपका आव रहेगा, और आचलाम में आपकी जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी वह रहेगी आपकी आम। अस्वर आप अपने इन धातुओं में पहले ऐसे ही याद कर लेंगे कि आपके भूतकाल में सभी शब्दों में आपका आस्वर आगे लगा हुआ है। बाकी हम इस शॉर्ट ट्रिक से अपने अभ्यास करेंगे। अभ्यास के लिए मैंने आपका पट धातु लिया है, क्योंकि आपने अभी वीडियो के शुरू में अपने पट धातु पर ही अभ्यास किया था, उससे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, इसलिए मैंने आपका पट धातु ही यहाँ पर लिया है। पट धातु को आप इस प्रकार से लिख लेंगे, क्योंकि आस्वर आपके सभी पदों में आया हुआ है, तो आप पट धातु के आगे सभी में आस्वर का प्रयोग करके एक और अपना पट धातु लिख लीजिए, और दूसरी तरफ अपना प्लस का निशान लगाकर आप अपनी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लिख लीजिए। अब आपको इसमें जो प्रयोग करना है वह आपको संधि का नियम प्रयोग करना है। जब भी आपका कोई व्यंजन हलंत वाला होता है और उसके बाद आपका आस्वर आता है, तो आस्वर उस व्यंजन को पूर्ण करने के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर आपके सभी स्थानों पर आस्वर ही आया हुआ है, और यहाँ पर आपका आ आपकी मात्रा वाला आया है, तो आस्वर आपका व्यंजन को पूर्ण करेगा और आ जो आपकी मात्रा है वह अपने रूप के साथ आएगी। आप इनको बनाना सीख लीजिए एक बार। जैसे हम अपना शब्द पहले ले लेते हैं, यहाँ पर आपठत, यहाँ पर हम अपना पहला शब्द ले लेते हैं आपठत। आपठत में आप देखेंगे जो आपका ठ है वह हलंत वाला ना होकर अपने आस्वर के साथ पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही आप अपना यहाँ पर लिख लीजिए आपठताम, और यहाँ पर भी आप अपना आपठन लिख लीजिए। आप अपना इस प्रकार लिखते रहेंगे।
अपने स्वर से व्यंजन को पूर्ण करेंगे, और आपका जब भी आपका कोई भी स्वर के साथ कोई मात्रा आती है तो वह अपनी मात्रा के रूप में ही आता है, तो आपका यहाँ पर शब्द बनेगा आपठाव और यहाँ पर आपका शब्द बनेगा आपठाम। देखा आपने कितना आसान है आपके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपने धातु रूप बनाना। अब आप अपनी इस शॉर्ट ट्रिक से अन्य धातु रूप भी बना सकते हैं। धातु रूप बनाने के साथ साथ आप इनका प्रयोग भी एक बार सीख लीजिए कि इनको हम अपने वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे। धातु रूपाणाम प्रयोग, धातुओं का आपका प्रयोग करना आप पहले भी सीख चुके हैं। ऐसी ही तालिका पे हमने पहले भी अभ्यास किया था, जो आपका वर्तमान काल के धातु रूप थे उन पर इनको आप अपने अब भूतकाल के रूप पर भी एक बार प्रयोग करना सीख लीजिए। यहाँ पर आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो आपके कर्ता के रूप में शब्द आएंगे वह मैंने लिखे हुए हैं। यह आपका सह, तव, ते पुल्लिंग में है, सा, ते, ताहा आपका स्त्रीलिंग में है। इनके स्थान पर आप अपने किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। यह हिंदी और संस्कृत मैंने आपकी कर्ता के रूप में लिखी हुई है। इनके साथ आप अपने धातु रूप के जो आपके शब्द हैं भूतकाल के को आप इनके साथ लिख लेंगे। जैसे हमारा प्रथम पुरुष में है आपठत, इसी प्रकार आप अपने अन्य पर भी लिख लीजिए आपठताम और आपठन। आप अन्य मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पर भी इसी प्रकार लिख लीजिए। इन सभी को आप अपने कर्ता के साथ उनके क्रियाओं के अनुसार कर लेंगे। जिस वचन जिस पुरुष का आपका कर्ता होगा वचन और उसी पुरुष की आपकी क्रिया होगी। इस प्रकार आप अपनी पूरी तालिका बना लीजिए। सह आपठत, तौ आपठताम, ते आपठन। यह आपके एक प्रकार से वाक्य बन जाएंगे। इनकी हिंदी आप देख लीजिए। सह का अर्थ होता है वह, आपठत का अर्थ होता है पढ़ा था, वह पढ़ा था। तव, तव का अर्थ होता है वह दोनों। आपठताम का अर्थ होगा पढ़े थे, वह दोनों पढ़े थे। आपठन आपका बहुवचन का शब्द है। ते आपका यहाँ पर बहुवचन का शब्द है। ते का अर्थ होता है वह सब। आपठन का अर्थ होगा पढ़े थे, वह सब पढ़े थे। इस प्रकार आप इनकी हिंदी लिख लीजिए। यह मैंने वाक्य आपके बना दिए हैं, आप इनको देख लीजिए। वह पढ़ा था, वह दोनों पढ़े थे, वह सब पढ़े थे। तुम पढ़े थे, तुम दोनों पढ़े थे, तुम सब पढ़े थे। मैं पढ़ा था, हम दोनों पढ़े थे, हम सब पढ़े थे। यह हमारे इन वाक्यों की हिंदी होगी। आप इनको अन्य धातुओं पर भी प्रयोग करके देखिए। अन्य धातु में आप अपने गम धातु रूपाणी, गम धातु के रूप देख लीजिए। मूल धातु आपका गम होता है, लेकिन जब इसके हम शब्द रूप चलाते हैं तो वह हमारे गच्छ में चलते हैं। आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छा, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाओ, आगच्छाम। गच्छ में अपने सोट्रिक का प्रयोग करके अपने धातु रूप बनाने का अभ्यास कीजिए, और फिर इसके साथ आप अपना मिलान कीजिए कि आपकी सोट्रिक से आपके धातु रूप सही बने हैं या नहीं। ऐसे ही आप अपने दृश धातु पर अभ्यास करेंगे। गम का अर्थ होता है जाना और दृश का अर्थ होता है आपका देखना। दृश धातु भी आपकी परिवर्तनीय धातु है। यह आपकी मूल धातु दृश होती है, लेकिन जब हम अपने धातु रूप चलाते हैं तो वह आपके पश्य में चलते हैं। इन धातुओं के शब्द रूप आप अपनी शॉर्ट ट्रिक से बनाकर अपने वाक्य प्रयोग में भी करना सीखेंगे, और अपने हिंदी और संस्कृत दोनों ही वाक्यों में आप इनका अभ्यास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके भविष्य काल के जो रूप हैं आप उनके साथ, उनकी शॉर्ट ट्रिक से हम अपने भविष्य काल के रूप बनाना सीखेंगे। सर्वेभ्य नमो नमः।